व्यूअर्स आदाब, मैं हूं फियाज पंपोरी और आप देख रहे हैं खिताई चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भदरा में 5 मजीद कोविड 19 मरीज मिलने पर आवाम में तशवीश, उनके रास्ते में आने वाले अफराद से रजाकाराना तौर सामने आने की अपील। आला हुकाम की हिदायत पर कोरोना के नमूने लेने का काम किया गया सुस्त, टेस्टिंग लेबोरेटरी में रश की वजह से लिया गया फैसला। खिलैनी मरबत रोड पर सड़क हादसा, 3 अफराद जख्मी। छात्रों में एक पालतू कुत्ता कोरोना मरकज में दाखिल, कश्मीर से आया था कुत्ता। किश्तवाड़ में शराब की दुकान खुलने की तजवीज पर सुरूड़ी बरहम, कहा सड़कों पर आएंगे आवाम। भदरवा के रिसीविंग स्टेशन में आग की वारदात, भदरवा में पावर सप्लाई मुनकता। और राणा माल के दुकानदारों का किराया माफ, दुकानदारों में खुशी की लहर। अब पेश है खबरें तफसील से। जिला डोडा के भदरवा सब जिला में गुज़श्ता रोज 5 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर पाने के बाद पूरे भदरवा कस्बा और उसके गर्दनवा में रहने वाले अवाम में जबरदस्त तशवीश पाई जाती है। इंतजामिया, समाजी तंजीमें और सियासी कारकुन अवाम से अपील कर रहे हैं कि वो सभी अफराद रजाकाराना तौर सामने आए और अपने टेस्ट करवाएं। बताया जाता है कि जिन अफराद को कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया है वो कस्बा और कस्बा से बाहर कई अफराद से मिले हैं, इसलिए इन 4 अफराद से मिलने वाले तमाम लोग खुद सामने आकर खुद की जांच भी करवाएं और दूसरों का भी ख्याल रखें। इंतजामिया और महकमा सेहत का कहना है कि कोरोना कोई इतनी मोहलिक बीमारी नहीं है कि जिसके लगते ही इंसान का खात्मा हो जाए, इसलिए जिस भी शख्स को बीमारी का खदशा हो वो सामने आकर इस वक्त मौजूद इलाज का फायदा उठाएं और इस बीमारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाने से रोकें। दोस्तों सलाम और आदाब, मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक जरूरी मैसेज लेके आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भदरवा में कोविड 19 के कुछ केसेस सामने आए हैं और बदकिस्मती से ये वो लोग हैं जिनके साथ लोगों का कांटेक्ट हर हाल में होता है। इसमें कुछ चिकन बेचने वाले हैं, कुछ मटन एक आदि मटन शॉप की दुकान भी है और साथ में जो हमारे सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज होता है, जो हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर उसे उपयोग करते हैं, वो यहाँ की वेजिटेबल सब्जी है जो हर जगह हमेशा अवेलेबल होती है और हम सब लोग वो सब्जी वहां से लेकर अपने घरों में लाते हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं खासकर उन लोगों से जो लोग इनके कॉन्टेक्ट में आए हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि भदरवा की आवाम, जो बाकी आवाम है वो बचे और उनको तहफ्फुज़ मिले, तो मैं इन लोगों से अपील करता हूं जो लोग इनके कॉन्टेक्ट में आए हैं, जैसे कोई चिकन की शॉप पे जिसने चिकन खरीदा हो, मटन की शॉप पे जिसने मटन खरीदा हो, या सब्जी के सब्जी वालों से जिसने सब्जी खरीदी है, खासकर जो सब्जी का पेशेंट यहां पर डिक्लेयर हुआ है कोविड 19 पॉजिटिव, जहां से उसकी सब्जी आती है, मैं उन लोगों से यही निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं जिन्होंने इन लोगों से इनके लोगों के कॉन्टेक्ट में आए हैं वो आगे आए और अपना टेस्ट कराएं, ताकि उनसे टेस्ट करने के बाद वो जो रिपोर्ट सामने आए, नहीं तो ये छोटी बात नहीं, उनकी फैमिली भी अफेक्टेड हो सकती है, इलाका सारा अफेक्टेड हो सकता है और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर या एक हफ्ते के अंदर हमारा सारा शहर जो है, कस्बा जो है, वो इन्फेक्टेड हो सकता है। मेरी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और उन लोगों से भी कि वो आगे आए और एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू करें और वो ये कहें कि हम उनके कॉन्टेक्ट में आए हैं, लिहाजा हमारा टेस्ट किया जाए, ताकि जिन लोगों का टेस्ट होगा जिनको नेगेटिव आएगा वो एहतियात बरतेंगे और जिन्हें खुदा ना करे जिन्हें पॉजिटिव आएगा उनका इलाज किया जाए। शुक्रिया वसलाम। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर और साबिक मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने किश्तवाड़ में शराब की एक और दुकान खोले जाने की कोशिश पर जबरदस्त रंज का इजहार किया है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर किश्तवाड़ कस्बा या इसके गिर्द नवा में कहीं भी शराब की एक और दुकान खोलने की कोशिश की गई तो आवाम सड़कों पर एहतजाज करने निकलेंगे। सरूरी ने कहा कि किश्तवाड़ में हर मजहब और हर तबके का बाशिंदा शराब की बिक्री के खिलाफ है और इसके बावजूद एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट और दुकानें खोलने की कोशिश में है। गुलाम मोहम्मद सरूरी ने प्रेस के नाम एक बयान में कहा है कि उन्होंने पहले ही
2015 में उस वक्त की असेंबली में रियासत में शराब की खरीद फरोख पर पाबंदी लगाने के लिए एक बिल पेश किया है। कांग्रेस लीडर ने डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा से अपील की है कि शराब की दुकान खोलने के प्रपोजल को फौरी तौर मुस्तरद किया जाए। रोज खबर कि किश्तवाड़ में शराब की दुकानें खोली जाएंगी, इसके लिए रेंट के लिए अपने कोई जो चाहता है अपने मकान दिखाएं, म्यूनिसिपलिटी एरिया या इसके एडजॉइन एरिया में, तो मैं और यहां की आवाम, यहां का हिंदू, यहां का मुसलमान, सब लोग इस कदम की निंदा करते हैं और इसके टोटली खिलाफ। कोई नहीं चाहता है कि किश्तवाड़ में मजीद शराब की दुकानें खोली जाएं, जिससे कि माशरे की तबाही हो सके। जिससे आपको जानकारी है कि इससे कबल 2012-13 में 14-15 में मैंने दो बार असेंबली में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक बिल पेश किया था कि जम्मू कश्मीर में शराब की पाबंदी लगाई जाए, टोटली यहां इसकी पाबंदी हो, जम्मू कश्मीर में शराब बिल्कुल न बिके, क्योंकि इसमें माशरे की तबाही है। इस वजह क्योंकि बिहार में जब अरबों रुपया टैक्स वसूल होता था तो वहां के सरकार ने इस पे बंदिश लगाई और आज भी बंदिश जो है जारी है। तो यहां पे जब लोग चाहते नहीं हैं, लोग इसके खिलाफ हैं, तमाम यहां के हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग इसके खिलाफ हैं, तो एक दुकान तो ऑलरेडी यहां कुलीद में है, वहां भी रोजाना झगड़ा होता है, सड़कों पे शराबी, नालियों में शराबी पड़े होते हैं देर रात, लिहाजा उसको दुरुस्त करने के लिए गवर्नमेंट तवज्जा दे और यहां पे दूसरी दुकानें खोलने के लिए कोई भी किश्तवाड़ का शहरी जो है म्युनिसिपलिटी एरिया में है या म्युनिसिपलिटी से बाहर खोलने के लिए रजामंद नहीं है। ये बहुत बड़ा एहतजाज शुरू हो जाएगा, यहां का हर इंसान, हर शख्स, हर जीशु शख्स इसकी टोटली मुखालफत करता है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं, डीयूकाम साहब को, डीसी साहब को, कि फौरी तौर पर इस पे रकावट डाले और ये जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती इसकी हाइट करती थी एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। मुझे बड़ा अफसोस हो, और काफी मैंने वहां पे शदोमेल से इस बिल को पेश किया और बड़ा हंगामा हुआ, उसके बावजूद भी एक बार तो बिल पेश होने नहीं दिया, जब इंटर हुआ तो उसके बाद उठने नहीं दिया, फिर उसके बाद उन्होंने किया हमें बहुत ज्यादा इससे टैक्स जो आता है वसूल होता है। क्या ये जो हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तान की एक स्टेट बिहार है, अरे हमसे दुगनी चुगनी स्टेट बड़ी है, वहां अरबों रुपए में टैक्स होता है, जब उस स्टेट के गवर्नमेंट ने वहां इस पे शराब पे बंदिश लगाई, वहां शराब की दुकानें बंद कर दी टोटली, क्या जम्मू कश्मीर में ये बंद नहीं हो सकता है? लिहाजा मेरी मोहतबाना गुजारिश है, एक तो टोटल रियासत जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें, शराब का बेचना बंद किया जाना चाहिए, और खास करके जो ऑर्डर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ने निकाला है, गवर्नमेंट ने निकाला है, उसको बंद किया जाना चाहिए। किश्तवाड़ की आवाम, टोटल यहाँ हिंदू मुसलमान तमाम इसके खिलाफत करते हैं और इसका जबरदस्त मुजाहरा शुरू होगा अगर इसको यहाँ पे चालू करने की कोई कोशिश की। कस्बा डोडा के एक मारूफ तजारती मरकज राणा मॉल के मालिक राखी राणा ने एक बेहतरीन कदम उठाते हुए उस मॉल में दुकानदारों का एक माह का किराया माफ करने का फैसला किया है। मॉल के मालिक का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते दुकानदार करीब दो माह से किसी किस्म का कारोबार न कर पाए और अभी तक दुकानदार दुकानें खोलने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए इनका माहाना किराया माफ किया जाता है। राणा माल के मालिक के इस फैसले पर न सिर्फ वहां दुकानें
चलाने वाले अपराध, बल्कि डोडा के सभी दुकानदारों ने खैर मकदम किया है और अपने अपने दुकान मालकान से किराया माफ करने की गुजारिश की है। सर, पहली बात तो ये है कि जो रेंट वगैरह इन्होंने हमें माफ किया हुआ है तो काफी अच्छा भी लगा और काफी राहत सी भी हमें महसूस हुई है, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी तो रहती है। अब 5-6 महीने से या 2-4 महीने से जैसे मार्केट बंद थी तो इतना काम निकल नहीं पाया। और सबसे पहले तो मैं एक थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे राकेश सिंह राणा जी, जो राणा मॉल के मालिक है, जहाँ पे हमारी दुकान किराए पे है, तो जिन्होंने इतना बड़ा इनिशियल स्टेप जो लेके हमें सभी दुकानदारों को जो किराया माफ किया हुआ है, तो उसके लिए मैं रियली थैंक्स बोलना चाहूंगा। और काफी राहत भी हम सभी दुकानदारों को मिली भी है, जहाँ से, क्योंकि अब घर से बाहर रहते हुए, किराए पे रहते हुए, तो इतना सब करना मुश्किल होता था। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हमें पूरी, मतलब वो मिल ही चुकी है, लेकिन चलो जितना भी उन्होंने किया अपने से, तो हमें लगता है कि काफी हद तक हमें इस चीज की राहत मिली हुई है। मुश्किल तो है, अब लगभग 1 साल तो हो ही गया, जैसे अगस्त में 370 के रहते हुए जहाँ पे दुकानें सारी बंद हो गई थी, 2-4 महीने वैसे बंद रही, 1-2 महीना काम जो निकला उसमें भी बारिश बर्फबारी वगैरह रही, तो उसके भी वजह से जहाँ पे काम कोई इतना रोटेशन में आ नहीं पाया। और हम वैसे भी इंतजार करते रहे कि जैसे ही मार्च या अप्रैल आएगा तो हमारा काम अच्छे से रोटेशन वर्क में आएगा, तो चलो पीछे से कोई अगर उधार भी होगा या कोई चीज होगी तो हम उसको मार्कअप कर सकेंगे। बट जैसे ही उस दिन का इंतजार करते करते जैसे ही हमें COVID-19 के बाद आगे 25 को जैसे टोटली ओवरऑल सारा बंद हो गया, तो उसके चलते चलते परेशानी तो हमें आई आई यहाँ पे, और ऊपर से परेशानी क्या है, टेंशन भी होने लगी है, जब घर से इतनी दूर रह रहे हैं, इतना किराया है, तो अगर वो हमें घर से देना पड़ेगा पहले कितने पैसे हैं और आगे हम कितने उधार में चले जाएंगे, क्योंकि हर एक दुकानदार तो हम भी वहीं से आते हैं, क्योंकि एक गरीब घर से हैं, बड़ी मुश्किल से कहीं से पैसे लगा के बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं गुजारा, और फिर भी जहाँ पे किराए पे बाहर भी किराए पे रहना सब करना मुश्किल तो था ही था। लेकिन चलो, आप इस बुरी वक्त में जाके जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टेप जो लिया हुआ है, उससे मैं कहता हूँ काफी राहत भी मिली है और काफी अच्छा भी मिला हुआ है। थैंक्स सर। सब गरीब बच्चे हैं, सब गरीब घर से ताल्लुकात करते हैं, अब 4 महीने इनको भी हो गया बंदी, तो हमारा कुछ फर्ज बनता है इसमें कि इनको 1 महीना छोड़ दें। मैं उनके लिए भी कहता हूँ जिससे जितना हो सके, बाकी जो जिनके पास भी प्रॉपर्टी है उनको बोलता हूँ कि अपने अपने दुकानदारों को आप भी 1-1 महीना छोड़ दो, ये कम से कम भी 85,000 बनता है। जम्मू कश्मीर में हैवानात को क्वारंटाइन करने की दूसरी खबर जिला किश्तवाड़ के छात्रों इलाके से मौसूल हुई है, जहां एक पालतू कुत्ते को 14 रोज के लिए अलग थलग कमरे में रखा गया है। खदशा है कि कुत्ता कोरोना से मुतासर हुआ है। छात्रों से आने वाली इत्तात के मुताबिक इस कुत्ते को एक शख्स ने कश्मीर के फुल्लर इलाके से किश्तवाड़ की तरफ लाने की कोशिश की थी, जब उस शख्स और कुत्ते दोनों को छात्रों के मुकाम पर रोक दिया गया और वहां बने क्वारंटाइन मरकज में रखा गया। हालांकि कुत्ता एक बार क्वारंटाइन से बाहर निकले में कामयाब हुआ, लेकिन पुलिस और हेल्थ मुलाजमीन ने इस कुत्ते का पीछा करके दोबारा पकड़ लिया और एक मखसूस कमरे में रखा। वाजह रहे कि आज से कबल जम्मू के रजौरी इलाके में एक घोड़े को भी क्वारंटाइन में रखा गया था। ताहम इन हैवानात के टेस्ट करने का क्या निजाम है वो अभी तक मालूम नहीं पड़ सका है। जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों की तरह जब डोडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और डोडा कोविड अस्पताल में भी कोरोना वायरस के नमूने लेने के काम को सुस्त किया गया है। डोडा में आज से पहले 800 से लेकर 1000 तक नमूने लिए जाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में COVID-19 के मामले बढ़ने की वजह से नमूने लेने की रफ्तार तेज और टेस्ट करने में ज्यादा वक्त लगने की वजह से हजारों सैंपल इल्तवा में पड़ गए थे। टेस्ट करने की रफ्तार और नमूने लेने की रफ्तार में तालमेल बिठाने की गरज से अब नमूने कम लिए जा रहे हैं। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के मुताबिक आला हुक्काम की तरफ से आने वाली इत्तात के मुताबिक आज कुल 60 नमूने लिए गए। इनका कहना था कि आने वाले दिनों में नमूने लेने की कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। तो ऊपर से ये आप देख रहे हैं डेजर्टेड लुक है बाजार में, थोड़ा बहुत सब्जी वालों को, दवाई वालों को ग्रोसरी शॉप खोलनी चाहिए थी, इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, ये चीज़ें भी खुलनी चाहिए। और गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है, डे अर्नर जो हैं, जो दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गई है और मिडिल क्लास के लिए भी बहुत मुश्किल हो गई है इन हालात में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या ठीक रहेगा, 50 सैंपल ठीक रहेंगे कि इससे ज़्यादा सैंपल ठीक। अगर टोटल जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग इन्वॉल्व हैं वो 41 उनका नंबर है, 39 में से 2 रिकवर हो गए, एक GMC डोडा से रिकवर हुआ और एक उधमपुर से, दूसरे उधमपुर में स्टेशन, और उनमें से एक की डेथ हो गई जो जम्मू में रिसेंटली हुई है। टोटल इस वक्त जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है कोविड पॉजिटिव, वो भी कैटेगरी 1 के एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब जिनको
कोई भी सिम्टम नहीं है कोविड का और जस्ट ऑन स्क्रीनिंग वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से 20 जो है इस वक्त जीएमसी डोडा में एडमिट है, डीसीएचसी में 5 जो है भद्रवाह में है, वहाँ पर कोई होटल रॉयल है जिसमें रखे उन्होंने, और 11 जो है यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल पर कोई होटल मेजबान है उसमें 11 लोग हैं। तो टोटल इस वक्त हमारे पास 36 है, मगर जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के इन्वॉल्व हैं वो 41 है। ये इनका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो हम ICMR ने दिया है, जो पॉजिटिव पेशेंट आता है उनको ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट देते हैं, हाइड्रोक्सीक्विनोलोक्विन की हम 3 दिन की डोज देते हैं, 400 मिलीग्राम सुबह शाम देते हैं उनको हम 3 दिन के लिए, और एक टिक्की आती है नई टिक्की है आइवरमेक्टिन, वो यूजुअली हम ये कीड़े मारने के लिए देते हैं बच्चों में और एडल्ट में भी वो देते हैं एक टिक्की। तो उसके बाद हमें वेट करना होता है इनका, और 14 दिन के बाद हमने सैंपल लेते हैं, उस दौरान में डिपेंड करता है कि वो कब इन्फेक्ट हुए हैं, कुछ 14 दिन से पहले नेगेटिव हो जाते हैं, फिर हम इनका एक और सैंपल उठाए, 2 सैंपल जब नेगेटिव आ जाते हैं तो हम इनको घर भेज देते हैं होम क्वारंटीन में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है या जो हॉस्पिटलाइज क्वारंटीन है, अब तो कैटेगरी 1 के लिए हॉस्पिटल क्वारंटीन हर जगह बंद हो गया, इनको कोविड केयर सेंटर में रहते हैं, कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल में हो, ये सारी किसी हॉस्टल में हो सकता है, किसी होटल में हो सकता है, कहीं स्टेडियम में हो सकता है, कहीं कम्युनिटी सेंटर में हो सकता है, किसी और जगह जिस हिसाब से जगह अवेलेबल हो उसमें हो सकता है। और जब स्टेज सेकंड वाले जो आते हैं जिनको मॉडरेटली सिम्टम है, जिसको खांसी जुकाम ज़्यादा है और सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो, उनको हम सिर्फ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में कर सकते हैं जो हमारे पास है, उसकी कैपेसिटी हमारे पास मैक्सिमम 45 है, मगर इस वक्त हमारे पास में 35 बेड है। सर, एक पॉजिटिव पेशेंट के तो आने के बाद उसका रिपीटली टेस्ट कितने टाइम के बाद होता है और कितने चांसेस हैं ये कि उसका जो है पॉजिटिव कंटिन्यू रहे? ये देखिए, पॉजिटिविटी जो है ये जिसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हमारा 28 दिन तक जब पेशेंट नेगेटिव नहीं आता है, ये जरूरी नहीं है कि 14 दिन में पेशेंट नेगेटिव आ जाए, कभी कभी देखा गया कि प्रोलॉन्ग भी हो जाता है और 28 दिन तक भी आ जाता है, पर 28 दिन के बाद इनवेरेबली सारे नेगेटिव आ जाते हैं और 28 दिन के बाद यार ट्रीटेड नॉर्मल उनको घर भेज दिया जाता है। आज जिला डोडा के भद्रवाह ग्रिड स्टेशन में किसी तकनीकी खराबी की वजह से जबरदस्त आग लगी, जिससे पूरे भद्रवाह कस्बे और इसके गिर्द निर्वाह में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। इब्तदाई इतला के मुताबिक आग में करोड़ों की मालियत का नुकसान हुआ है, ताहम माहरीन नुकसान का तखमीना और आग लगने की वजह का पता लगा रहे हैं। कस्बा भद्रवाह के शहरी इलाके में कायम इस ग्रिड स्टेशन से पूरे भद्रवाह कस्बा और इसके आसपास के इलाकों को बिजली फराहम होती है। ग्रिड स्टेशन के नजदीक रहने वाले लोगों का कहना है कि आज सुबह अचानक ग्रिड स्टेशन से आग नमूदार हुई और साथ ही जोरदार धमाके हुए, जिसके बाद पूरे इलाके में बिजली सप्लाई बंद हुई। इब्तदाई तहकीकात से मालूम होता है कि आग किसी तकनीकी खराबी की वजह से लगी, ताहम अभी तक इंक्वायरी जारी है। जनाब टीवी देखने वाले सभी नाज़रीन को राशिद का प्यार भरा सलाम। आइए बात करते हैं जिला डोडा के भद्रवाह की। भद्रवाह डंडी में बिजली के ग्रिड स्टेशन में आग लग गई। ग्रिड स्टेशन में लगी आग को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आइए देखते हैं आगे की खास खबर। ये जो आग हादसा हुआ है, मैं ऑफिस से जा रहा था 10 बजे, मेरे को फ़ोन आया यहाँ पर इंचार्ज फायर खत्म हो गया, मैं तुरंत यहाँ पे आया हूँ। आप मैंने पूरा जानकारी जो फर्स्ट साइड पे मुझे देखा है, जो ब्रेकर के अंदर प्रॉब्लम आई है, तो शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, मेल फीमेल कंटेक्ट ओवरहीट हो गए हैं, तो उसके कारण अंदर फ्लैश हुई है जिससे कि सारा हादसा हो गया है। बाकी सिस्टम सारा ठीक है, जो पावर है वो एक बैंक हमारा डैमेज हो गया है, तो सारे जो आदमी हैं वो काम पे लगे हैं, शाम तक एक बैंक हम स्टोर करेंगे। तो इसेंशियल पावर प्लस कुछ बाकी सिटी की पावर जो है वो रोटेशन बेसिस पे सप्लाई करेंगे। दूसरे बैंक के लिए हमने नीचे डोडा से कुछ पैनल मंगवाए हैं, उसको हम जो डैमेज है उसको रिप्लेस करेंगे, तो कल शाम तक कुछ ना कुछ और पैनल हम स्टोर करेंगे। एक बैंक हम आज शाम तक उम्मीद है कि 6 बजे तक हम स्टोर करेंगे, जिससे कि हमारी इसेंशियल सप्लाई और सिटी के फीडर भी, बाकी पावर फीडर भी जो ऑन रोटेशन बेसिस पे हम पावर दे पाएंगे। खिलैनी मरम्मत रोड पर एक सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं।
सड़क का यह हादसा डुगा के मुकाम पर उस वक्त रोनमा हुआ जब एक ऑल्टो कार चार मुसाफिरों को डोड़ा से मरम्मत की तरफ ले जा रही थी कि ड्राइवर के काबू से बाहर हुई। जख्मी होने वाले अपराध डोड़ा के एक क्वारंटाइन मरकज से फारिग होकर अपने गांव की तरफ जा रहे थे। हादसा पेश आया, सभी जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। भारतीय जनता पार्टी के रियासी सदर रविंदर रैना की हिदायत पर आज पार्टी के डोड़ा यूनिट की तरफ से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्वामी राज शर्मा कर रहे थे। प्रेस के नाम एक बयान के मुताबिक मीटिंग में फैसला लिया गया कि आज से चीन में तैयार की गई किसी भी चीज को खरीदना बंद किया जाएगा। मीटिंग में आइंदा आने वाले दिनों में पार्टी की तरफ से की जाने वाली सरगर्मियों का भी जायजा लिया गया। पार्टी की इस मीटिंग में तय पाया गया कि आने वाले दिनों में अवामी राब्ता बढ़ाया जाएगा और अवाम में पार्टी की तरफ से जारी पंपलेट तकसीम किए जाएंगे। मीटिंग में यह भी तय पाया गया कि लॉकडाउन की वजह से अवाम में बड़ी मुश्किलात का इजाला करने की कोशिश की जाएगी और जरूरतमंदों तक राशन और दूसरी जरूरत की चीजें पहुंचाने की कार्रवाई तेज की जाएगी। तो नाज़रीन, यहां होता है आज की खबरों का खत्म। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।